नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन निराला आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, नंबर की श्रृंखला में आज जानेंगे नंबर 5। नंबर 5 क्या होता है? अगर आपकी जन्म तारीख 5, 14 या 23 को अगर हुई है, या आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ की आपकी जो भाग्यांक जो होती है वो अगर 5 आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं नंबर 5 से रूल कर रहे हैं। 5 नंबर 14 या 23 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या आपकी नेम के स्पेलिंग भी अगर 5 पे आ रहा है, तो भी कहीं ना कहीं आप 5 नंबर से आप रूल कर रहे हैं। दोस्तों, 5 नंबर क्या है? नंबर 5 हमारा है मरकरी ग्रह से रूल करता है, इसको हम लोग बोलते हैं बुध। मरकरी यानी कि पारा। दोस्तों, पारा जानते हैं क्या करता है, और उसे हिंदी में बोलते हैं मरकरी को बुध। बुध यानी कि बुद्धि, बुद्धिमान। ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, नंबर 5 वाले व्यक्ति का काफ़ी सारा गुण होता है। अगर आप इसे अगर रूल करते होंगे तो आप खुद अपना अनुभव शेयर जरूर करेंगे। नंबर 5 वाले व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति, इनको लगता है कि मोर मरी मोर मनी, ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। कोई एक बिजनेस पे या कोई एक पर्टिकुलर काम पे टिक नहीं पाते हैं, थोड़ा इनको लगता है कुछ और करें। अगर ऐसा व्यक्ति 5 नंबर वाले अगर गवर्नमेंट सेक्टर में लगे, कुछ दूसरे डिपार्टमेंट जाएँ, किसी और डिपार्टमेंट जाएँ, अदर सर्विस में जाएँ, कहीं ना कहीं इनके अंदर चेंजिंग रहती है। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लगे अगर कुछ और बिजनेस करें, कैसे चीज़ों को फास्ट ग्रो करें। अगर मनी आ रहा है तो लगेगा और मनी आए, और जल्दी जल्दी किसी काम को और करें। अगर आप एक बिजनेस करें तो लगे बिजनेस स्विच करें, कुछ और दूसरे बिजनेस साथ साथ करें, कुछ और बिजनेस करें। डैट मीन्स कि आपका माइंड काफ़ी फ्लेक्चुएट होता है, अनबैलेंस हो जाता है, काफ़ी चीज़ें होता है। क्योंकि आप देखते होंगे ना, मरकरी पारा, पारा को अगर हाथ मुट्ठी में लेते होंगे, कितना भी उसको करेंगे तो छिटक जाएगा, इधर उधर चले जाएगा, वो टिकता नहीं। यही होते बुध। पर दूसरे सेक्टर में दोस्त अगर जाने, दोस्तों, तो 5 नंबर वाले ये लकी होते हैं। इनका वैसा ही घर में जन्म लेते हैं, एक अच्छे परिवार में घर में जन्म लेते हैं। बेसिकली अगर किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ अगर 14 तारीख को आता है, 14 तारीख़ें है, ऐसे लोग काफ़ी लकी होते हैं। पैसे इनके पास रहता है, पैसे के अभाव नहीं होती है, पैसा इनके पास टिकता है। और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होते हैं। जनरली लोगों को देखे होंगे कि गवर्नमेंट सर्विस में कम रहेंगे, बिजनेस सेक्टर में ज़्यादा रहेंगे। नंबर 5 वाले, इनको फास्ट ग्रो के लिए क्या करते हैं, फास्ट इनकम के लिए सट्टा में जाते हैं, शेयर मार्केट में जाते हैं। पर दोस्तों, वहाँ कभी कभी लॉस खा जाते हैं, क्योंकि इनको तो चीज़ें फास्ट चाहिए, तो कभी कभी फास्ट के चक्कर में खुद को लॉस में कर देते हैं, नुकसान हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बने रहेगा, जानेंगे कि कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करें। नंबर 5 वाले के, नंबर 5 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 23 आ रहा है, यानी कि चंद्र और गुरु से अगर आप रूल कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, इंटेलिजेंट के साथ साथ शिक्षक भी होता है। ऐसा व्यक्ति कि अच्छा टीचर भी होता है, बिजनेस भी बन सकता है। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर कुछ नंबर है 1, 3, 5, 6 है, तो आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। और अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 5 और 5 है, डैट मीन्स कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति रहेंगे, वाणी इनकी अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं कि चतुर होते हैं, इनकी क्वालिटी बता रहा हूँ, ये काफ़ी एक अलग नेचर के होते हैं। थोड़ा इनके देखा जाता है कि रिस्ट्रिक्शन में रहना नहीं चाहते अगर रिलेशनशिप सेक्टर रहता है, थोड़ा बंधना नहीं चाहते हैं अगर रिलेशन में अगर बंध रहे हैं, बट वो बंध नहीं सकते हैं। मनी से रिलेटेड भी अगर ये अगर वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लगेगा कि हम इसमें भी थोड़ा ग्रो करें, तो बंधने वाले हैं और एक अच्छे मनी मेकर होते हैं। लेकिन इनके कुछ नंबर सपोर्ट अगर होते हैं, दोस्तों, अगर नंबर 5 वाले और क्या होते हैं, इनका अगर जन्म बुधवार को अगर हुआ है, वेडनेसडे के अगर होता है, या 5 तारीख को होता है,
या अगर जैसे आपकी जो भी एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 19 समथिंग कुछ भी, टोटल को अगर ऐड करते हैं तो आपके जो फाइनल जो सिंगल डिजिट में आएगा वो आपका भाग्यांक होगा। तो अगर आपका भाग्यांक भी आ रहा है, अगर आप अपने नेम के स्पेलिंग करेक्शन कराएंगे, अगर आपका नेम के स्पेलिंग भी 5 नंबर पे आता है, जैसे एग्जांपल में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सभी का नाम नंबर 5 पे आता है। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल है, बॉलीवुड के स्टार हैं और भी काफ़ी लोगों का है जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 से आता है। फेसबुक जो ओनर उनका भी 5 पे आ रहा है और भी काफ़ी लोग हैं। नंबर 5 वाले का और अगर गुण देखा जाए तो वैसे तो सरल स्वभाव के होते हैं, बहुत शांत होते हैं, स्मार्ट बहुत होते हैं, और इनके अगर चेहरे भी देखें तो चेहरे में भी चमक होती है अगर 14 तारीख के अगर हैं तो, क्योंकि सूर्य के साथ अगर कॉम्बिनेशन होता है इनके चेहरे में चमक होती है, इनकी तेज एक अलग होती है। और जनरली आप देखेंगे कि ऐसे 5 नंबर वाले या 40 नंबर वाले एक अच्छे घर में, एक अच्छे परिवार में इनकी जन्म होती है, इनका कर्मा के हिसाब से होता है और ये अपने जीवन में सफल बनते हैं। अगर आपकी ग्रिड में 5 नंबर 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, अगर 3 से ज़्यादा बार अगर 5 नंबर आ रहा है, डेट मीन्स कि आपका बुध वीक है, कमज़ोर है, बुध खराब है। जब बुध खराब होता है एक समस्या होगी, बुध खराब है। दूसरा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है, डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर है ही नहीं, न मूलांक है, न भाग्यांक है और न बीच में कोई भी नंबर आ रहा है, 5 नंबर डेट मीन मिसिंग है, तो भी आप समझेंगे कि आपका बुध खराब है। बुध खराब होता है तो क्या होता है, आपकी वाणी खराब होती है, आपका बुद्धि काम नहीं करेगा, अब हर चीज़ को निगेटिव चीज़ों में चले जाएंगे, कहीं कहीं लॉस ज़्यादा आपको हो जाएगा, हर सेक्टर में लॉस हो जाएगा, आपकी वाणी की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका थाउट ये सोचने की जो प्रक्रिया है वो आपका ब्रेक हो जाएगा, कहीं कहीं आपका थ्रोट चक्रा भी डीएक्टिवेट रहेगा, अनबैलेंस रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा अगर 5 नंबर मिसिंग है तो। दोस्तों 5 नंबर मिसिंग है तो इसकी रेमेडीज भी है, मैं आपको उपाय बताऊंगा कि क्या ऐसा करें जिससे आपका बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग हो। दोस्तों वैसे तुम लोग जानते हैं कि जानवर की सेवा करना चाहिए, और जानवर ही हमारा जी अगर आता है काऊ गाय, अगर आप वेडनेसडे को काऊ को अगर कुछ खिलाते हैं, पोटैटो, आप उन्हें आलू खिला सकते हैं, गाजर खिला सकते हैं, अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ चीज़ कुछ भी आप खिला सकते हैं, पालक हो गया, आलू हो गया, गाजर हो गया, कुछ भी, अगर आपके दरवाजे पर अगर काऊ गाय आ रही है तो आप रोटी भी खिला सकते हैं, मतलब आपको वेडनेसडे के दिन खिलाना है। वेडनेसडे के दिन आपको ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं, ग्रीन कलर के रुमाल अपने पास एक एनी टाइम रखना है, ग्रीन कलर के रुमाल आप अपने पॉकेट में रखें अगर आपका बुध कमज़ोर हो तो। कोशिश करें ग्रीन पेन से लिखने का। और गाय की सेवा दोस्तों बहुत ही रामबाण अचूक उपाय है, अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं, उन्हें खिलाते हैं वेडनेसडे को, कम से कम वेडनेसडे को अगर एवरी डे खिलाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा आपका बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा और आप बहुत ही जल्द देखेंगे आपके जीवन में फ़र्क पड़ने लगेगा। नंबर 5 आपके बैलेंस हो जाएगा, नंबर 5 जब बैलेंस होगा तो आपके लाइफ में बैलेंस होगा। दोस्तों एक और मज़े वाली बात बताओ तो, नंबर 5 का जो है ना ये बहुत फ्रेंडली नंबर होता है, अगर 1 से 9 तक अगर नंबर में देखेंगे तो बीच का नंबर होता है, इधर 1 से 4 और इधर 9 to 5, इधर भी 4 और इधर भी 4, ये बीच का नंबर होता है 5 नंबर। यानी 5 नंबर वाले लोगों का फ्रेंड सर्किल काफ़ी होता है, इनकी दोस्ती यारी ज़्यादा होती है, इनके मददगार ज़्यादा होते हैं, इनके अगर दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी अगर कहीं भी दोस्त को बोल देंगे एक काम है तो इनके दोस्त इनके लिए हाजिर हैं। हर फील्ड में अपने एज से छोटे बड़े बुजुर्ग हर सेक्टर वाले लोगों से इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती कर लेते हैं, ऑल सेक्टर के लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, ये 5 नंबर की विशेष खासियत है। दोस्तों और 5 नंबर हमें क्या देता है, अगर आपके 5 नंबर स्ट्रॉन्ग है
मैंने जो आपको उपाय बताए उपाय का जरूर करेंगे। आप देखेंगे कि आपका बुध ग्रह और क्या करना है। ग्रीन कलर की ड्रेस बुधवार के दिन आपको पहने, नंबर वन ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं। गाय की सेवा करनी है, सेवा में आपको क्या करना है, या तो आलू या गाजर या पालक कुछ भी जमीन से उपजा हुआ चीज़ आपको खिलाना, जिससे आपका अर्थ जो है ना, फाइव नंबर होता है अर्थ एलिमेंट का, जो आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होगा। जब आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होगा तो ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है कि प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी होती है, या तो अपार्टमेंट फ्लैट में भी रह सकते हैं, या तो अर्थ से जुड़ा हुआ चीज़ या प्रॉपर्टी काफ़ी बना सकते हैं, या ज़मीन से लेके ज़मीन से भी या ज़मीन लेके अपना घर बना सकते हैं। दोनों चीज़ बैलेंस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं अगर फाइव नंबर है तो। सपोर्ट में और भी दूसरे टॉपिक में हम वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी लाइन के लिए और क्या होता है, कौन किन किन नंबरों की आवश्यकता होती है, जिससे आपका प्रॉपर्टी फैक्टर आपका स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोस्तों अभी जो आपको बताया हूँ, हरे कलर के कपड़े पहनने हैं, गाय की सेवा करनी है, ग्रीन चीज़ कुछ न कुछ आपको खाना, ग्रीन सलाद हो, ग्रीन सब्जी हो, ग्रीन वेजिटेबल हो, कुछ ही वो एनीथिंग आपको ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना है, ग्रीन कलर के बोतल से पानी पीना है। दोस्तों यकीन मानिए, अगर ये इतना सारा आप कुछ करते हैं तो आपका बुध ग्रह एकदम स्ट्रांग हो जाता है। आपको ये करेंगे और आप फीडबैक ज़रूर बताएंगे कमेंट में कि आपको कैसा लगा है सारा उपाय करने के बाद। अगर आपका ग्रह फाइव नंबर बैलेंस होता है, चीज़ें ठीक होने लगती है, तो दोस्तों ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको विशेष उपाय अगर समझना है कि और बुध ग्रह को कैसे बैलेंस करें, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पे है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा क्लास भी चलता है, वेबिनार भी है, आप इसका पूरा प्रॉपर क्लास भी कर सकते हैं, वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा और पूरे डिटेल आप जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, ओम शांति।